Today, read in class 9th section B, subject maths, exercise 8.1, question 10. कल क्वेश्चन नाइन तक आपको बताया गया था. क्वेश्चन टेन में दिया है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड एट पॉइंट ए एंड सी ड्रा द परपेंडिकुलर ऑन डायगोनल बी डी. प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी पी और ट्रायंगल डी क्यू सी कांगुरेंट. अदर सेकंड पार्ट प्रूव करना है ए पी इक्वल टू क्यू सी. क्या लिख दिया गया है? गिवन इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी ए पी एंड क्यू सी आर परपेंडिकुलर ऑफ डायगोनल ऑन डायगोनल बी डी. ऑन डायगोनल बी डी सोल्यूशन दिया गया है इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल डी सी क्यू ए बी इज इक्वल टू डी सी. अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम कैसे इक्वल है? एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल सी डी क्यू. अल्टरनेट एंगल है, यह एंगल और यह एंगल अल्टरनेट एंगल है. एंगल ए बी बी इज इक्वल टू एंगल सी क्यू बी ईच 90 एक नोटेंस है. सो ट्रायंगल ए बी बी कांगुरेंट एंगल सी डी क्यू बाई ए एस, या ए एस एस नहीं है, ए एस है, क्योंकि टू एंगल्स और उस इंक्लूडिंग साइड इसका इक्वल नहीं है, बल्कि एनी टू एंगल और वन साइड इक्वल. एंड ए पी इज इक्वल टू सी क्यू बाई सी पी सी टी, ये प्रूफ हो गया. सेकेंड में अगले क्वेश्चन में दिया गया है क्वेश्चन 11 है. ये क्वेश्चन 11 में एक ट्रायंगल ए बी सी दिया गया है और ट्रायंगल डी ई एफ दिया गया है, जिसमें ए बी डी सी के इक्वल एंड पैरेलल दिखाया गया है, बी सी ई एफ के इक्वल और पैरेलल दिखाया गया है दिया गया है. हमको प्रूव करना है कि ए डी बी ई के इक्वल और पैरेलल है, जो सी एफ है वो बी ई के इक्वल पैरेलल है, और ए डी एफ सी पैरेललोग्राम है. और फिर प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी एफ जो है वो कांगुरेंट है, यानी 4-5 पार्ट प्रूव है. अभी मैं एक पार्ट प्रूफ यहाँ पर कर रहा हूँ. सोल्यूशन इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी दिया तो ट्रायंगल में है, इक्वल है पैरेलल, लेकिन मैं इसे क्वाड्रिलेटरल में देखता हूँ. इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ए बी इक्वल टू डी एंड ए बी पैरेलल डी. सो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम बाई थ्योरम 8.8. 8.18 में क्या दिया गया है? इन अ क्वाड्रिलेटरल वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल, सो इट इज अ पैरेललोग्राम. अब वो पैरेललोग्राम है. देयरफॉर AD इज इक्वल टू B एंड AD इज इक्वल पैरेलल B. यह मुझे प्रूव हो गया है. यह इक्वेशन फर्स्ट डाल दें. इन क्वाड्रिलेटरल BCF BC इज इक्वल टू EF एंड BC पैरेलल EF. सो क्वाड्रिलेटरल BCF इज अ पैरेललोग्राम. तब पैरेललोग्राम हो गया BCF, और जब यह पैरेललोग्राम हो गया इसमें जो अदर साइड बची हुई है, ये साइड तो पहले दी गई है इक्वल और पैरेलल, अदर साइड जो बची वो इक्वल और पैरेलल हो गई. तो अदर साइड कौन इक्वल और पैरेलल हो गई? BC यह पहले से इक्वल दिया गया है, तो हम लिखेंगे B therefore for BE is equal to CF and
बी ये भी थ्योरम 8.8 से ही है, बी पैरेलल सी एफ, इक्वेशन सेकंड आ गया उसी रूल से हुआ थ्योरम 8.8 से। इक्वेशन सेकंड डाल दें, टॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखो टॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इसे कंपेयर करते हैं तो देखते क्या है कि फर्स्ट वाले में दिया है ए डी इज इक्वल टू बी और सेकंड वाले में आया है बी इज इक्वल टू सी एफ, तो इसका मतलब बी दोनों में है तो बी हटा दीजिए तो ए डी इज इक्वल टू सी एफ हो गया। तो हो गया ए डी इज इक्वल टू सी एफ एंड ए डी पैरेलल सी एफ, ये दोनों को कंपेयर करने से हुआ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फिर चलते हैं इन क्वाड्रिलेटरल, ए डी एफ सी ए डी इज इक्वल टू सी एफ ए प्रूव कर चुके हैं तीसरे में, ए डी सी एफ की ए डी इज इक्वल टू सी एफ एंड ए डी पैरेलल सी एफ सी एफ। सो क्वाड्रिलेटरल ए डी सी एफ ए डी एफ सी होना चाहिए, ए डी एफ सी इज पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का सिंबल बना देना है, लिख देते हैं। जब यह पैरेललोग्राम हो गया ए डी एफ सी तब आ गया ए सी इज इक्वल टू डी एफ, therefore AC is equal to DF and AC parallel DF, इसे इक्वेशन आप थर्ड डाल करके रखें, इसकी भी हमें जरूरत है। अदर पार्ट इसमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल कांगुएंट है, नाउ ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीएफ, ए बी इज इक्वल टू डी, ए बी इज इक्वल टू डीई, गिवन और बी सी इज इक्वल टू ई एफ ये भी गिवन है। अदर पार्ट मैंने एक प्रूफ किया है ए सी इज इक्वल टू डी एफ बाय रूट सो ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी कांगुएंट ट्रायंगल डी ई एफ बाय यस 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 तीन साइड से इन साइड इक्वल है इसलिए अभी एक क्वेश्चन लास्ट बचा हुआ है 12 जिसे मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक फिगर दिया गया है, आप फिगर यहीं तक समझें क्योंकि आगे वो कंस्ट्रक्शन है, लेकिन फिगर में कंस्ट्रक्शन करके भी दे दिया गया है। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है
जिसका एबी साइड जो है प्रोड्यूस किया गया है, और डी से एसी के पैरेलल लाइन थ्रो की जाती है और इसे इंटरसेक्ट कर देता है, यह एसी के पैरेलल लाइन है जो यहाँ पर ड्रा की गई है और इंटरसेक्ट करता है इसी पर। यह कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन भी नीचे उसी क्वेश्चन में हिंट करके दिया गया है, इसलिए मैं उसे लिख नहीं रहा हूँ, आप सुन लीजिए। इस पार्टिलेटरल एबीसीडी में दिया गया है एसी इक्वल टू बीडी, तो हम एसी इक्वल टू बीडी से ही प्रारंभ करते हैं। सॉल्यूशन में गिवन दैट एसी इक्वल टू बीडी, ये जो है गिवन है, गिवन दैट, बट ए सी इज इक्वल टू डी, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि यहां पर ए बी सी डी के पैरेलल दिया गया था तो ए बी की ही लाइन बढ़ाई गई, इसका मतलब ए जो है वो सी डी के पैरेलल होगा। ए सी के पैरेलल डी मैंने ड्रा की है, इसका मतलब ए सी डी भी पैरेलल हो गया, तो यह हो गया पैरेललोग्राम। ए सी डी एक पैरेललोग्राम हो गया और अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। Sides of parallelogram, आप parallelogram आगे ले देते हैं, वहां जगह नहीं है। आप parallelogram अपोजिट साइड आप parallelogram, तब क्या हो जाएगा, इसमें इसको मिलान करिए, AC इसमें भी है, इसमें भी है, D के इक्वल है, BD के इक्वल है, इसका मतलब BD इक्वल टू DE है। देन BD इक्वल टू DE, तब जो है BD जो है DE के इक्वल होगा और BD DE के इक्वल हो गया, तो फिर लिखिए इन ट्रायंगल BD BD इक्वल टू DE, एक प्रूफ हो गया है ऊपर बाय प्रूफ्ड, सो एंगल DB इक्वल टू एंगल DEB, इक्वल साइड अपोजिट एंगल, इक्वल साइड्स अपोजिट एंगल रूल से, एंगल्स इक्वल साइड अपोजिट एंगल रूल से ये इक्वल हो गए। अब फिर लिखते हैं बट एंगल ए प्लस ई, एंगल ए प्लस एंगल ई इक्वल टू एंगल ई, डी ई बी का नाम ही एंगल ई है, इक्वल टू एंगल ई नाम है, एंगल डी बी इक्वल टू एंगल ई, ये दोनों एंगल एक ही,
is equal to 180. Adjacent angle of parallelogram. Angles of parallelogram. Parallelogram के adjacent angle का sum जो होता है वो supplementary होता है यानी 180 होता है. And angle ABD is equal to an plus angle DB is equal to 180. ये क्या है? Linear pair angle है. Linear pair angle. 60 में दे रहा हूँ. Linear pair. अब इन दोनों को कंपेयर करें, ये भी 180 है, 180 है, तब हो जाएगा देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी इसी में थोड़ी सी चेंजिंग कर दें क्योंकि DB जो है यहां देखें ADD प्लस DB यहां दोनों को तो यहां से थोड़ी सी डीबी डीबी इक्वल रखते हैं तो होता है एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू हो गया एंगल एबीडी प्लस एंगल ई जो डी ई बी है वह एंगल ई हो गया अब एंगल ई कैंसिल हो गया आ गया एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इसी का नाम उसमें बी दिया गया है क्योंकि यह कंस्ट्रक्शन बाद में किया गया ऐसे ही सी इज इक्वल टू डी कह रहा है प्रूव करने के लिए तो लिखते नाउ एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 को इंटीरियर एंगल है को इंटीरियर एंगल एंगल्स ये को इंटीरियर एंगल साइज से हुआ एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू भी 180 है यह भी इसी रूल से है को इंटीरियर रूल से देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल डी गड़बड़ हो गया था
यहां एंगल ए बी के इक्वल है, तो एंगल ए अगर बी के इक्वल है तो रख दीजिए एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी ए प्लस डी बी प्लस सी। ये जो है वो b के इक्वल है तो a की जगह a रखने दें, a प्लस डी b की जगह पर रखें एंगल a प्लस एंगल c, ये दोनों ओर से कैंसिल हो जाएगा एंगल d इज इक्वल टू एंगल c। ये भी प्रूव करना था, एक अदर पार्ट भी प्रूव करना है ट्रायंगल abc और डी ए बी ए बी सी, ए बी सी मिलेगा इधर से और ट्रायंगल बी ए डी बी ए डी बी ए डी इसको ज्वाइन करने से मिलेगा। यह ट्रायंगल कांगुरेंट है अभी प्रूफ करना है, तो यहां पर सीधे लिखते हैं ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी बी ए डी दिया है। क्या देखें एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी बाई टू, AD इज इक्वल टू BC गिवन है, अगर देखें ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन, सो ट्रायंगल बी ए डी कांगुरेंट ट्रायंगल ए बी सी बाई यस ए यस। कहा गया है एक साइड दिखाने के लिए, तो साइड भी दिखा दीजिए, इसी के साइड है ट्रायंगल के, देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू बी डी बाय सी बी सी डी, इसी ट्रायंगल के कांगुरेंट ट्रायंगल के पार्ट है, इसलिए करस्पॉन्डिंग पार्ट है। Dying.